पहले इस वाले पार्ट को नापेंगे, हम इस एस वाले पार्ट को नापेंगे। तो यहाँ आ रहा है 10.5 इंच। आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जो कि हम ब्लाउज से नाप लेकर के ही कटिंग करेंगे। तो आइए पहले ब्लाउज के नाप लेना सीखे। ये हमारा ब्लाउज है, पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हम ब्लाउज को रख के, हमने पीछे के पार्ट को इस तरह से रख लिया है। हम यहाँ शोल्डर पे रख के इस तरह से इसकी लेंथ देखेंगे। तो हम थोड़ा सा खींच के लेंगे। तो इसकी लेंथ है 15 इंच। अब इसका चेस्ट नापेंगे। तो हम इस सिलाई से इस वाले सिलाई तक देखेंगे, तो हमारा यहाँ आ रहा है 19 इंच। तो ये हुआ 19 इंच। अब बैक पार्ट में 19 इंच है, अब फ्रंट पार्ट में हम देखेंगे कितना है। हम इस तरफ से रखेंगे, जहाँ हमारी हुक लगी हुई है, हम यहाँ के जॉइंट से लेकर के ये हुक के जॉइंट तक देखेंगे। तो यहाँ है 10.5 इंच, एक तरफ है 10.5 इंच, तो दूसरी तरफ भी 10.5 इंच ही है। इस तरह से नापेंगे, यहाँ भी 10.5 इंच है। तो यहाँ 10.5 और 10.5 21 इंच हुआ, और पीछे 19 इंच, तो हमारा टोटल हुआ 40 इंच। तो इसका चेस्ट है 40 इंच। अब हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से हम ठीक शोल्डर पे इस तरह से फीता को रखेंगे, टेप को रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ 10.5 इंच बस्ट पॉइंट आ रहा है। तो बस्ट पॉइंट हमारा हुआ 10.5 इंच। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट, हो गया लेंथ, हो गया चेस्ट, हो गया। अब हम शोल्डर को नापेंगे। ठीक इसी तरह ब्लाउज को लेकर के शोल्डर देखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से शोल्डर देखेंगे। ध्यान रहे हमारी ब्लाउज, ठीक ब्लाउज का स्लीव इस तरह से स्ट्रेट आना चाहिए, तभी शोल्डर का मेजरमेंट सही आएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ हमारा शोल्डर है 11 इंच। इसके बाद नेक लेंगे। नेक हम इस तरह से यहाँ से पकड़ के इस तरह से देखेंगे, तो इसकी लेंथ है 6 इंच। बैक नेक नापने का तरीका सिंपल सा है। आप यहाँ से जो भी आपका लेंथ है, लेंथ के हिसाब से मिला के देखिएगा, यहाँ मिलाइएगा तो आपको निकल जाएगा। इसकी नेक है 10 इंच। अब इसके स्लीव को नापेंगे, इस तरह से स्लीव नापेंगे। तो इनकी स्लीव भी है 10 इंच। अब हम मुहरी नापेंगे, इस तरह से मुहरी को नापेंगे। तो यहाँ मुहरी है 5.5 इंच, इसका डबल हो 11 इंच। तो इनकी मुहरी है 11 इंच। अब इसकी कमर देखेंगे, तो हम कमर को इस तरह से खोल करके कमर नापेंगे, इस तरह से घुमाते हुए कमर को नापेंगे। तो इसकी कमर है 38 इंच। अब हम ब्लाउज की ड्राइंग करेंगे। ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक है। फैब्रिक को पहले हम उल्टा कर लेंगे, इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। इसकी जो लेंथ है, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। इसकी लेंथ है 15 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 16 इंच। हम 16 इंच पे दाग, ठीक है, यहाँ भी एक और 16 इंच पे एक दाग लगा लेंगे। अब यहाँ हम एक 6 इंच पे दाग लगाएंगे आर्म होल राउंड के लिए। यहाँ भी 6 इंच पे एक दाग लगाएंगे आर्म होल राउंड के लिए। और नेक है 10 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब इन सभी दागों को सीधा कर लेंगे। हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, 11 इंच शोल्डर था, 11 का आधा हुआ 5.5 इंच। यहाँ भी हम 5.5 इंच पे दाग लगाएंगे। चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथा भाग लेंगे
तो हुआ 10 इंच। तो हम यहाँ 10 इंच पे एक दाग लगाएंगे। उसके बाद हम सिलाई के लिए 1.25 इंच पे एक और दाग लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 1.25 इंच पे लिया है। अब कमर है 38 इंच, 38 का चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। 9.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे टेकिंग डालने के लिए, तो हुआ 10.5 इंच। तो हम यहाँ 10.5 इंच पे दाग लगाएंगे और 1.25 इंच पे एक और दाग लगाएंगे। अब इन सभी दागों को मिला देंगे। हम नेक लेंगे, यहाँ 3 इंच चौड़ा लेंगे और यहाँ हम 2.5 इंच पे लेंगे। इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ आर्महोल राउंड की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हल्के हाथों से शेप यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट पे ड्राइंग लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से एक इंच का टेकिंग दे देंगे इस तरह से। टक्स का निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। हम फ्रंट पार्ट पे ड्राइंग लगाएंगे। हम यहाँ से सीधा कर लेंगे दाग। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे। यहाँ से हम 6 इंच पे एक दाग लेंगे। हम यहाँ से एक सीधा दाग कर लेंगे इस तरह से। सीधा एक दाग कर लेंगे हमने इस दाग से 5.5 इंच पे यहाँ लिया है और यहाँ से हमने 6 इंच पे उतारा है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ है 15 इंच। हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 16.5 इंच। तो हम यहाँ 16.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। हमारा बैक पार्ट में 1 इंच प्लस होता है, फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच प्लस होता है। अब हम यहाँ से नाप के देख लेंगे। हमारा जो है हम ठीक इस वाले दाग से हम उतना ही ले लेंगे। अब यहाँ से ये दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा यहाँ 10 इंच चेस्ट है, तो ये 10 इंच और 1.25 इंच एक्स्ट्रा है हमारा, तो यहाँ ले लेंगे। और यहाँ हमारा है 10.5 इंच। तो हम यहाँ हमारा कमर है 38 इंच, 38 का चौथा भाग करेंगे 9.5 इंच। इसमें हम 0.5 इंच प्लस करेंगे, 0.5 इंच प्लस करके हुआ 10 इंच। तो हम यहाँ 10 इंच पे दाग लगाएंगे और 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। हम आर्महोल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ मिला देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे। तो हमारा बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच। हम वहाँ 0.5 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 11 इंच। तो हम यहाँ 11 इंच ले लेंगे। ठीक, हम यहाँ भी 11 इंच पे दाग उतार लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बस्ट पॉइंट के निशान से हम 2.5 इंच नीचे उतारेंगे इस तरह से। यहाँ भी 2.5 इंच नीचे उतारेंगे इस तरह से। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम नेक लेंगे। तो हम नेक भी लेंगे 6 इंच पे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे गला रखेंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच पे रखेंगे। अब गले की गोलाई दे देंगे।
अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम ढाई इंच पे एक निशान लगाएंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, इष्ट का छवा भाग करेंगे तो हुआ हमारा 7.25 इंच। तो हम यहाँ 7.25 इंच पे दाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्के हाथों से गोलाई देते हुए इस निशान से होते हुए हम यहाँ चले आएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे, बेल्ट को हम नीचे रखेंगे, पहले कटोरी निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे 2 इंच पे लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ गले की गोलाई दे देंगे। ये हमारा गला हो गया। अब हम कटोरी का शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कटोरी का शेप लाएंगे, इस तरह से। ये कटोरी की गोलाई हो गई। अब हम यहां से क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और यहां से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी कटोरी हो गई। तो ये हमारा कटोरी हो गया। इसके बाद पहले हमारा ये 2 पार्ट हो गया। अब हम यहाँ बेल्ट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ उतार लेंगे और हम बेल्ट के लिए यहाँ 1 इंच और ज्यादा बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारा बेल्ट पार्ट हो गया। पहले हम बेल्ट पार्ट को नाप के देख लेंगे। यहाँ से हम इसको नापेंगे तो यहाँ है 9.5 इंच। अब हमें यहाँ 1 इंच प्लस करना है। इस 9.5 इंच है तो हमको ये और ये वाला पार्ट मिला के 10 इंच पे चाहिए। तो हम पहले देख लेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ है 7 इंच, तो हमें 10.5 इंच चाहिए। तो हम यहाँ टेप को रखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा ठीक है, आ जा रहा है। अब हम एक और पार्ट को काटेंगे, टेकिंग पार्ट को। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से नापेंगे तो ये हुआ 10.5 इंच। तो हमें इस वाले पार्ट को और टेकिंग पार्ट को मिला के 11.5 इंच पे रखना है। पहले हम यहाँ एक सीधा दाग लगा लेंगे। हम यहाँ देख लेंगे, ये हमारा 9.5 इंच है। हम यहाँ से 9.5 इंच पे दाग लगा लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इस दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 इंच पे एक हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसको नाप के देखेंगे, इस तरह से हम इसको नापेंगे तो यहाँ 10.5 इंच है। हम यहाँ से देखेंगे हमारा 10.5 इंच कितना आ रहा है, तो यहाँ हमारा 10.5 इंच आ रहा है। हम इस तरह से 10.5 इंच पे ले लेंगे और यहाँ हमारा इस वाला पार्ट का पार्ट की गोलाई, यहाँ इस वाले पार्ट को हम नाप के देखेंगे ये कितना है, तो यहाँ आ रहा है 6.5 इंच। हमें चाहिए दोनों मिला करके 11.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो ये पार्ट 6.5 है, हम 6.5 को इस जगह पे रख के हम नीचे दाग लगाएंगे 11.5 पर और इस दाग को सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ से इस तरह से गोलाई दे देंगे, ये गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा टेकिन पार्ट हो गया, यहाँ हमारी टेकिन बनेगी इस तरह से। तो हमारा बहुत ही कम कपड़ा में हमारा डायरेक्ट कटिंग एडजस्ट हो गया है। तो हमारा ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव पार्ट है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ हम दो सूत तिरछा डाउन करके काट लेंगे। ये हमारा एक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इस वाले पार्ट को काटेंगे। इस तरह से करके यहाँ ऐसे काटेंगे। ये वाला पार्ट भी कट गया है, अब हम इसको काटेंगे। ये वाला भी पार्ट कट गया है, अब इसको काटेंगे। ये भी हमारा पार्ट कट गया है। ये देखिए, ये हमारा पार्ट कट के तैयार है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। हमने चार फोल्ड कपड़े को कर लिया है, पहले इसको सीधा कर लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे, इसकी लेंथ है 10 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, 11 इंच लेंगे। इसमें अलग से लेस लगेगा, इसीलिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ने के लिए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम सिलाई के लिए ही लेंगे। इसकी मुहरी है 11 इंच, तो उसका आधा लेंगे 5.5 इंच। और हम यहाँ क्या करेंगे, और चेस्ट है 40 इंच, 40 का हम चौथा भाग करेंगे तो हुआ 10 इंच, हम 2 इंच उसमें माइनस करेंगे तो हुआ 8 इंच, हम यहाँ 8 इंच पे लेंगे। आप इस तरीके से कोई भी स्लीव को कटिंग कीजिए तो बहुत ही परफेक्ट आएगा। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे इस तरह से। अब इस दाग से इसको मिलाएंगे। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, चेस्ट का 12वां भाग करेंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, 40 का 12वां भाग हुआ 3.5 इंच, हम यहाँ 3.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। इस दाग को इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर गोलाई में स्लीव आई है। अब हम यहाँ से इसका डीप शेप काट लेंगे, हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम कट लगा देंगे, यहाँ हमारा थोड़ा कपड़ा जुड़ेगा, तो यहाँ से जो कपड़ा बचा है हम इसको इस तरह से रख लेंगे।
रख के हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे, खोल के एक ही तरफ ड्रिप शेप काट लेंगे। हमारी कटिंग हो गई।